कई बार सितारों को स्टार्डम की कीमत चुकानी पड़ती है। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जो वीडियो साझा किया उससे ये बात सच साबित होती है। दरअसल कोहली ने जो वीडियो शेयर किया वो किसी अनजान फैन ने बनाया है, वो भी कोहली के होटल रूम के अंदर घुसकर। पूर्व भारतीय कप्तान ने वीडियो को शेयर कर इस पर नाराजगी जताई है। ये घटना तब हुई जब कोहली अपने होटल के कमरे में नहीं थे। दरअसल टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के लिए क्राउन टावर्स होटल में ठहरी हुई थी। ये वीडियो उसी होटल का है। इस वीडियो में एक अनजान व्यक्ति ने कोहली के रूम के अंदर घुसकर पूरे रूम को कैमरे में कैद किया है। इसमें उनके जूते, किचन और बाकी सामान साफ नजर आ रहा है। कोहली इस वीडियो के सामने आने के बाद से नाखुश हैं और उन्होंने इसे नीचता का हनन बताया है। कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं समझता हूं कि फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। मैंने हमेशा इसे सराहा है, लेकिन ये वीडियो भयानक है और इसने मुझे अपनी प्राइवेसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोहली ने आगे लिखा, अगर मैं होटल के कमरे में प्राइवेसी नहीं रख सकता तो फिर मैं कहाँ अपने लिए निजता की अपेक्षा कर सकता हूँ। मैं इस तरह की कट्टरता और निजती में इस तरह के दखल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया लोगों की निजता का सम्मान करें और उन्हें मनोरंजन का सामान ना समझें। टीम इंडिया क्राउन पर्थ होटल में ठहरी हुई है। इतने बड़े होटल में अगर इस तरह की कोई अनजान शख्स घुस सकता है और खिलाड़ी की गैर हाजिरी में उसके होटल के कमरे के भीतर दाखिल होकर वाकई ही उसके पूरे कमरे को अपने कैमरे में कैद कर लेता है, तो ये हैरान कर देने वाली घटना है और यह एक तरह से सुरक्षा में सेंध जैसा है। इससे होटल की सुरक्षा व्यवस्था पर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।